नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नागालैंड चुनाव, 3400 वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट का होगा इस्तेमाल। कोहिमा, नागालैंड की 60 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को होने वाले चुनावों के नतीजे 3 मार्च को सामने आएंगे। नागालैंड में 27 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी प्रकार से पक्षपात नहीं होने की तैयारियां पूर्ण रूप से हो चुकी है। इसके लिए प्रदेश में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 281 कंपनियां तैनात की जाएंगी। यह पहली बार है कि प्रिंटर से जुड़ी वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल नागालैंड में हो रहा है। इस बार 3400 वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे चुनाव पूर्ण रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सके। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 281 कंपनियों की तैनाती। राज्य के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिन्हा के मीडिया प्रकोष्ठ ने कल शाम बताया था कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 281 कंपनियों में से 77 कंपनियां यहां पहुंच चुकी हैं, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि सशस्त्र बल की शेष 204 कंपनियां 18 फरवरी को त्रिपुरा के चुनाव खत्म होने के बाद ही नागालैंड में आएंगी। फिलहाल पहुंची हुई 77 कंपनियों को पूरे प्रदेश में तैनात कर दिया गया है, साथ ही सशस्त्र बल के कर्मियों को पुलिस नाकों पर भी तैनात किया जा रहा है, जिससे नकदी की आवाजाही और अन्य अवैध सामग्री जैसे हथियार, शराब आदि की तस्करी पर लगाम लगाई जा सके। यह भी पढ़े, वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में नागालैंड पीपुल्स फ्रंट को 60 में से 38 सीटों पर जीत मिली थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली थी, 8 सीटों पर निर्दलीय चुनाव जीते थे। बीजेपी को 1 सीट पर जबकि एनसीपी को 4 सीटों पर जीत मिली थी। सीएम जेलियांग समेत 253 उम्मीदवारों ने भरा था नामांकन पत्र। विधानसभा चुनाव के लिए सीएम टीआर जेलियांग समेत 253 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। उल्लेखनीय है कि नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होने वाला है। इसके लिए बीते 31 जनवरी से ही उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू कर दिया था। 12 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।